इस पैक की एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए फर्स्ट यहाँ पर अगर आप इस पैक को ऑयलिंग वाले बालों में लगा रहे हो तो आपको उस तरीके से लगाना है, और अगर आप लोग धुले हुए बालों में लगा रहे हो ठीक है तो आपको इस तरीके से लगाना है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अभी आप लोगों को किस तरीके से लगाना है वो मैं बता रही हूँ। जैसे आपने हेयर वॉश कर लिया ठीक है, हेयर वॉश कर लिया, हेयर वॉश करने के बाद में आपको कॉम्ब नहीं करना है, आपको केवल हाथों से ही आपको अपने बालों को ऐसे ऐसे कर करके ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके एक एक पार्टीशन कर लेना है हाथों से ही ठीक है। जिस तरीके से मैं करती हूँ आपको मैंने बहुत बार बताया है, ऐसे आपको कर लेना है ठीक है, ऐसे ऐसे आपको करके, ऐसे आपको करके अपने बालों को सुखाना नहीं है ज्यादा, कम से कम 50% के समथिंग आपको सुखाना है। जैसे कितना गीला है मेरा, इतना गीला है ये बाल ठीक है, इतना आपको गीला रखना है बालों को ओके। इतना गीला रखने से क्या होगा, हमें हेयर प्रोटीन यहाँ पर नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट पैक लगाना है। और इस तरीके से अगर हम पैक अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों की जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होती है, और ये प्रोसेस मैं आप लोगों के लिए स्पेशल से बता रही हूँ, बहुत ही बेस्ट रूटीन है ये और आपको बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपको इतना गीला रखना है बालों को कम से कम 60 से 70% के समथिंग, मतलब 50 से ज्यादा थोड़ा ठीक है। अब ये जैसे मेरा गीला है इतना, जैसे कि हमने हेयर प्रोटीन लगाया है उस तरीके से हमें गीला रखना है बालों को ठीक है, और कॉम नहीं करनी है, हमें बाल धोना है फर्स्ट, फिर हमें कॉम नहीं करना है, हाथों से ही हमें सुलझाना है, जैसे मैंने हाथों से आप लोगों को बता रखा है कैसे हमें करना है, जैसे हाथों से हमें बस ऐसे ऐसे करना है ठीक है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, आप लोग हाथों से सुलझा लीजिए अपने बालों को ठीक है, और हाथों से सुलझाने के बाद में फिर आपको पैक अप्लाई करना है। और पैक अप्लाई कैसे करना है, पैक को आपको कैसे लगाना है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों के लिए ठीक है। जैसे ये पैक मेरा बना हुआ रखा है, मेरा पतला हो चुका है, अगर आप लोगों का भी ऐसे पतला हो जाता है क्योंकि मेरा मतलब बना के रख दिया था मैंने तो पतला हो गया ये ठीक है, तो अगर आप लोगों का ऐसे पतला हो जाता है तो आप लोग इसमें और मतलब जो सोयाबीन है वो मिक्स कर सकते हो ठीक है, मेथी नहीं करना, सोयाबीन आप मिक्स कर सकते हो ओके। तो मैं इसमें कुछ भी मिक्स नहीं कर रही, मैं इसी को लगाऊंगी, और इसमें केवल हम डालेंगे अपना ये स्किन हेयर ऑयल ठीक है, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 से 6 ड्रॉप के समथिंग इतनी ही हम इसकी डालेंगे ठीक है, और फिर हम डालेंगे इसमें रोजमेरी अगर है आप लोगों के पास, मेरे पास है इतना बचा हुआ है तो इसको मैं डाल रही हूँ ठीक है। खत्म होने वाला है ना इसमें तो थोड़ा सा बचा है, निकलता ही नहीं। और इनको डाल के हमें मिक्स कर लेना है, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि आपको बालों में कॉम नहीं करनी है बाल धोने के बाद में, और आपको आधे से ज्यादा बाल मतलब 50% या 60% के समथिंग आपको बाल गीला रखना है, और फिर ही आपको पैक लगाना है, हेयर प्रोटीन नहीं लगाना है इधर आपको ठीक है। मेरा बहुत ही पतला हो चुका है बहुत, पर मुझे इसमें कुछ भी मिलाना नहीं है क्योंकि मुझे ऐसे ही लगाना है इसे, अगर आपका पतला हो जाता है
तो कोई बात नहीं है, आप लोग इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत काम करता है। मतलब आप चाहें तो इसे बोतल में भर के या चम्मच से लगा रही हूँ। काम से ज्यादा दिन रखा रह गया क्योंकि काम था तो मैं नहीं लगा पाई, इसलिए अभी से लगा के धूप में बैठ जाऊंगी एक घंटे के लिए। बस ज्यादा नहीं रखना है हमें, एक घंटा रखना है क्योंकि अभी ऐसी गर्मियां स्टार्ट नहीं हुई है पड़ना कि हम पैक को कम से कम दो दो घंटे लगा के रखे, नहीं तो हमें सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है। क्योंकि तो इस महीने का आप लोगों के लिए सेकंड पैक आ रहा है, उसको मैं लगा रही हूँ अभी, एक बार लगा लिया है मैंने और आप लोगों के लिए उसकी एक से दो बार लगा लिया है, तो वो पैक आप लोगों के लिए आएगा उसकी वीडियो। पहले इसका सेकंड, आपको सेकंड बार कैसे लगाना है वो मैं आपको डाल रही हूँ, तो ये आप लोग देख लीजिए। अब इसे एक घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। आपको लेंथ में नहीं लगाना है इसे, केवल जड़ों में ही लगाना है बालों की स्कैल्प में, ठीक है। जहां जहां पर भी नहीं लगा है वहां वहां लगा लेना, ठीक है। इसे शैम्पू से वॉश नहीं करना है, केवल पानी से ही करना है आपको, ठीक है। किसी भी रेमेडी को अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो मेरी, ठीक है, तो उसको 4 से 5 बार लगाइए कम से कम, तब आपको रिजल्ट का पता चलेगा अच्छा, ठीक है।
और अगर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा से भी पसंद आती है तो लाइक कमेंट एंड शेयर और रेमेडी इस्तेमाल कीजिए, फायदा पड़ता है तो फीडबैक भेजिए, ठीक है।